नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, कल 5 अगस्त को भारत के अंदर एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। यानी कि 5 अगस्त को अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में उनके भव्य मंदिर की शिलान्यास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, उद्घाटन हुआ, एक भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई। ये कोई छोटा अवसर नहीं था और हमारे सभी भारत के देशवासियों ने, विश्व समुदाय ने इस पूरे घटनाक्रम को लाइव देखा और उसके साक्षी बने और हर्षोल्लास के साथ अपने अपने घरों में भी उन्होंने इस पर्व को मनाया। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये घटना इतनी साधारण नहीं है जितनी लगती है। भगवान राम के आदर्शों की स्थापना हुई है कल के दिन, यानी कि भारत भूमि पर, जिसे हम पूर्व में आर्यवर्त कहा करते थे, अखंड भारत, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान से लेकर के और ईस्ट तक फैली हुई थी, उस अखंड भारत के अंदर भगवान श्री राम एक आदर्श के रूप में जाने जाते रहे हैं और आगे भी जाने जाते रहेंगे। दर्शकों, एक चीज को बड़े ध्यान से समझना होगा हमें कि भगवान राम ने अपने जीवन में कभी कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मानवता के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इंसानियत के लिए, जिसे हम ये कह सके कि यहां पर इन्हें किसी तरह की कोई हानि हुई हो। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके आदर्श भी रहे हैं। और एक ऐसा सुनहरा अवसर इस समय पर आया है जब 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ है और 17 अगस्त को ग्रहों की एक इतनी अच्छी स्थिति बन रही है जो हमें इस तरह का एहसास कराती है कि शायद जैसे राम राज्य ही स्थापित हो गया हो, जहां हर ग्रह अपनी राशि के अंदर है। शुक्र जैसा ग्रह अपनी मित्र राशि में है, राहु केतु जैसे ग्रह उच्च राशि में है। ऐसी स्थिति सदियों में बनती है और ये ग्रहों की स्थिति इस बात का संकेत है कि ये जो राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ है, ये केवल मंदिर निर्माण की नींव नहीं है, बल्कि ये राम के आदर्शों को स्थापित करने की शुरुआत हुई है। और इसमें प्रकृति अपना बहुत बड़ा रोल निभा रही है। हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। हम आने वाले समय में उस स्वर्णिम काल के गवाह बनने जा रहे हैं जो आने वाले समय में हम घटित होते देखेंगे, और ये कोई बहुत बड़ा समय नहीं है। ऐसे शुभ अवसर पर आप सभी को लाखों बधाइयां, और ईश्वर भगवान श्री राम, हमारे आराध्य देव, हम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। यही मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। ऐसे शुभ समय पर जब 5 अगस्त 2020 को भगवान के श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई और उसके बाद 17 अगस्त के लगभग ग्रहों की ऐसी शुभ स्थिति है, ये ठीक उसी तरह की स्थिति है जैसे एक राजा के राज्याभिषेक के बाद पूरे संसार के अंदर आनंद मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। सभी देवी देवता उस स्थान पर आकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, ये ठीक उसी तरह की स्थिति है। यदि आप थोड़ी सी भी ज्योतिष विद्या की जानकारी रखते हैं तो 17 अगस्त को शाम को 6 बजे का गोचर बना के देखिए, आपको पता लगेगा कि कितनी शुभ स्थिति बनने जा रही है। और इसके बाद में एक कार्य और होगा और वो होगा अश्वमेध यज्ञ। यानी कि जब भी कोई ऐसी स्थिति बनती है उसके बाद में पूरे संसार के अंदर उस विचारधारा को स्थापित करने के लिए एक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है जिसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। यानी उसके अंदर उन आदर्शों को लेकर के एक अश्व छोड़ा जाता है
उसके अंदर वो जिस भी सीमा के अंदर जाता है, यदि कोई भी राज्य उस सीमा के अंदर उस अश्व को रोकने का दुस्साहस करता है, तो यहां पर फिर उस राज्य से युद्ध भी होता है, और अगर वो युद्ध के अंदर हार जाता है तो भी उसे उस विचारधारा को स्वीकार करना होता है, नहीं तो वो स्वयं ही उस विचारधारा को स्वीकार करके अपनी स्वीकृति देता है। इसे कहते हैं राम राज्य की स्थापना, जहां पर शासक कोई भी हो लेकिन साम्राज्य जो होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, वह राम राज्य की ही होती है। और ऐसी ही ग्रहों की स्थिति भी बनने जा रही है। अक्टूबर के बाद से लेकर के मई 2021 तक पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी उथल फुथल भी होगी, और उसके बाद एक विचारधारा की स्थापना भी होगी, ये बात भी निश्चित है। यानी कि यहां पर ये जो 500 साल के इतिहास के अंदर अब जो होने जा रहा है वो निर्णायक है, धर्म संगत है, न्याय संगत है, और पूरे विश्व के अंदर राम राज्य की स्थापना की एक नींव है। यहां पर दर्शकों एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो इसका मतलब कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि हिंदुत्व की बात हो रही है या किसी और धर्म को नीचा दिखाने की बात हो रही है या उनको छोटा करने की बात हो रही है। राम राज्य का मतलब ही ये होता है जहां पर राजा या न्याय करने वाला व्यक्ति या शासक योग्य हो, अपनी प्रजा की भलाई करे, न्याय संगत कार्य करे, नीति संगत कार्य करे, न्याय की स्थापना हो, प्रभुत्व जन अपने प्रभुत्वता का इस्तेमाल जनता की भलाई के लिए करे, इसे कहते हैं राम राज्य। और यही तो पूरा विश्व चाहता है कि हर देश अपने अपने सीमाओं के अंदर रह करके अपने अपने देश की तरक्की करे, वहां के लोगों की उनकी प्रगति हो और वो सभी लोग सुखी रहें और पूरे विश्व में एक शांति का माहौल हो, इसे ही राम राज्य कहते हैं। और यही स्थापित होने जा रहा है, ग्रहों की स्थिति तो यही कह रही है। और मई 2021 के बाद सही मायने में पूरे विश्व के अंदर आप एक राम राज्य की स्थापना होते हुए देखेंगे, जहां हर देश अपनी अपनी नीति न्याय के आधार पर अपनी अपनी जनता के साथ न्याय करेंगे और पूरे विश्व के अंदर फैल रही इन समस्याओं का समाधान हो और सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षित हों, भयमुक्त हों, ऐसा माहौल पूरे विश्व को मिले, यही राम राज्य की स्थापना है। और बहुत जल्दी इसका शुभारंभ भी होने जा रहा है। दर्शकों, बहुत समय पहले जब भौतिकवादिता हावी हुई तो उन लोगों ने इस विचारधारा को समाप्त कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि राम राज्य का मतलब हिंदुत्व की स्थापना होती है, हिंदू राष्ट्र बना देना होता है। लेकिन हकीकत यह है कि राम राज्य की स्थापना का मतलब होता है न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था, जनता की भलाई, गरीबों का उत्थान और शासकों द्वारा न्यायप्रियता का प्रदर्शन, यही राम राज्य है। और इसी राम राज्य की कल्पना हमारे शास्त्रों में की गई है, इसीलिए आने वाला समय बहुत ही सुखद है और हम सब उस स्वर्णिम काल के अनुभव के लिए अपने आप को तैयार करें, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है। उम्मीद करता हूं मैंने मेरे भाव इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, क्योंकि हृदय तो मेरा भी बहुत गदगद था कल जब मैंने इस कार्यक्रम को देखा और मैं नहीं रोक पाया अपने आप को इस वीडियो को बनाने से। हालांकि मैं बहुत सोच विचार करके कोई वीडियो बनाता हूं कि कहीं किसी के हृदय को कोई ठेस ना पहुंचे, और इसमें भी मैंने पूरी मर्यादा का पालन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप मेरी भावना का सम्मान करेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सियाराम।